Welcome to all of you. My name is Ankit Srivastava and I am from Mechanical Department. So, इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि मल्टीप्लेट क्लच कैसे वर्क करता है. अगर आपने मेरा सिंगल प्लेट क्लच का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे जा कर के देख लीजिए. तो मल्टीप्लेट क्लच में बेसिकली होता क्या है, ये तीन पार्ट से मिलकर के बना होता है. बेसिकली एक होता है फ्लाई व्हील, दूसरा होता है फ्रिक्शन क्लच डिस्क या फ्रिक्शन प्लेट मटेरियल, और तीसरा होता है प्रेशर प्लेट. जो फ्लाई व्हील है वो इंजन के क्रैंक से कनेक्टेड रहता है. तो अगर आपका इंजन का क्रैंक रोटेट कर रहा है पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन के कारण, तो आपका फ्लाई व्हील भी रोटेट करेगा. अब होता यह है, फ्रिक्शन क्लच प्लेट जब फ्लाई व्हील के कांटेक्ट में आता है तो कहा जाता है कि आपका क्लच इंगेज की पोजीशन पे है. जब आपका फ्रिक्शन क्लच प्लेट फ्लाई व्हील से डिसकनेक्ट होता है या उससे थोड़ा सा दूर हट जाता है, मतलब उससे कांटेक्ट में अपना दूरी बना लेता है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है कि आपका क्लच डिसइंगेज हो रहा है. तो बात ये उठती है कि इसे इंगेज और डिसइंगेज कौन करेगा. इसे इंगेज और डिसइंगेज करता है प्रेशर प्लेट. प्रेशर प्लेट फ्रिक्शन क्लच डिस्क या क्लच प्लेट के जस्ट पीछे में लगा रहता है, और जो प्रेशर प्लेट का काम है कंटिन्यू वो फ्रिक्शन क्लच पे प्रेशर अप्लाई करता रहता है, जिसके कारण इसका कांटेक्ट फ्लाईव्हील से बना रहता है. जब आप क्लच पैडल को दबाते हो तो प्रेशर प्लेट प्रेशर अप्लाई करना बंद कर देता है, और जो फ्रिक्शन क्लच प्लेट है वो ऑटोमेटिकली उससे दूर हट जाता है. जब आप क्लच को रिलीज करते हो तो जो आपका प्रेशर प्लेट है वो क्लच प्लेट को प्रेशर अप्लाई करता है और वो फ्लाईव्हील के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, तो इससे आपका क्लच इंगेज हो जाता है. ये था आपका सिंगल क्लच प्लेट का ऑपरेशन. पर अगर मल्टीप्लेट क्लच की बात करें तो इसमें भी सेम वही अरेंजमेंट होता है, बस इसमें फ्रिक्शन क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट मल्टीपल लगे होते हैं. मतलब सबसे पहले आपका लगा है फ्रिक्शन प्लेट, उसके बाद लगा है प्रेशर प्लेट एंड फिर फ्रिक्शन प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, ये अल्टरनेटिव मैनर में लगा हुआ रहता है. जैसे ही आप क्लच पेडल प्रेस करते हो तो आपका क्लच डिसइंगेज हो जाता है, और ये डिसइंगेज कैसा होगा, प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट पे प्रेशर अप्लाई करना बंद करेगा, और जो क्लच प्लेट का जो फेसिंग है फ्रिक्शन वाला जो पोर्शन है वो फ्लाईव्हील से दूर हट जाएगा. और जब आप क्लच पैडल को रिलीज करोगे यानी कि छोड़ोगे या पैडल को आप दबाना छोड़ोगे, तो ये वापस से स्प्रिंग के एक्शन के कारण वापस से अपने पुराने पोजिशन पर आ जाता है, यानी कि आपका जो क्लच प्लेट है फ्लाईव्हील के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, और इससे क्या होता है आपका इंगेज की कंडीशन में आ जाता है. तो इस प्रकार आपका मल्टीप्लेट क्लच वर्क करता है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.